कई दिनों के बाद शांति मिली है। पापा जी कह रहे कई दिनों के बाद शांति नहीं मिली, वह शांति नहीं आपके जीवन में? नहीं, आज बहुत सुकून मिला है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज सुबह सुबह पूरी फैमिली रेडी हो चुके हैं, बिकॉज आज हम जा रहे हैं गजिया देवी मंदिर। हमारा प्लान बना था पूरी फैमिली का कि सभी मिलके जाएंगे, तो अभी सभी के सभी रेडी हो गए। बस दादाजी नहीं आ रहे और ओरियो नहीं जा रहा, दादाजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दादाजी यहीं हैं ओरियो के साथ में। बाकी हम सभी के सभी, अम्मा, मम्मी, पापा, पीयूष, साहिल, मैं, सभी के सभी जा रहे हैं गजिया देवी मंदिर। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, रामनगर में है, हम कभी गए भी नहीं, काफी पॉपुलर मंदिर है, तो आज जाएंगे वहाँ पे। पीयूष, अपनी विश मांग लियो, तेरे कितने एडमिशन मिल जाए, कितने टेस्ट क्लियर हो जाए, विश मांग लियो। हम सभी भी यही विश मांगेंगे कि उसका एडमिशन हो जाए। मतलब काफी टाइम के बाद हम फैमिली ट्रिप कर रहे हैं, कोई मतलब है तो पास की, लेकिन फिर भी इतनी सुबह सुबह सारे रेडी हो गए। नहीं तो यूजली साहिल, पीयूष और मैं ही जाते थे, लेकिन मम्मी, पापा और अम्मा भी जा रहे हैं आज। ओरियो को चल चुका है पता कि हम जा रहे हैं, इसलिए ओरियो सैड हो गया है। ले जाओ हम इसको, बंदर होते हैं। मंदिर में ना ओरियो को लेके जा सकते, बिकॉज वो पहाड़ पे है और वो ऐसा मंदिर है ना, थोड़ा वहाँ पे भीड़ भी काफी ज्यादा होती है और बंदर वगैरह भी होंगे, तो इसलिए ओरियो को नहीं ले जा सकते हम। बाय द वे, कुछ दिनों में हम गांव भी जाने वाले हैं, तब ओरियो को ले जाएंगे। फिलहाल फॉर्च्यूनर निकालता हूँ। अब यार फॉर्च्यूनर भी बहुत गंदी हो रही है, कब से धुलाई नहीं है। तो फिर उसने ड्रोन और 360 कैमरा ले लिया अपना। बस आपको उल्टी ना हो यार, दवाई खा के आओ। बाय ओलू, बाय। तो गाइस, यहाँ से 71 किलोमीटर है, तो 1 घंटा 48 मिनट लगेंगे, तो हम 11:22 पे पहुंचेंगे। चले चलो, जय माता दी, जय माता दी। मैं होता तू तेरा, सो गाइस अभी यहां पर हमने पहला ब्रेक लिया है, यहां पर हम पेट्रोल भर रहे थे गाड़ी में और वही कुछ वॉशरूम वगैरह भी जाएंगे। मैं तो कुछ खा के भी नहीं आया, मुझे भूख भी लग रही है। आप उठे लेट, मैं 4 बजे तो सोया था, 7 बजे मम्मी ने उठा भी दिया मुझे, तो उठना पड़ा क्योंकि जाना था ना आज। अम्मा कोई दिक्कत तो नहीं लग रही आपको? नहीं, नहीं, मेरे ठीक है ना सब? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। भाई यहाँ पे तो मस्त धूप आ रही है, मैं तो अपनी जैकेट उतार रहा हूँ। तो भी गाइस मंदिर तो पहुँच चुके हैं, गाड़ियाँ पार्क कर दी है, अब चलते हैं नीचे। लेकिन एक चीज खराब लग रही है, ये देखो पूरा कूड़ा ही कूड़ा, पार्किंग में इतना कूड़ा यहाँ पे। सो गाइस अभी यहाँ से मंदिर के अंदर चलते हैं, पहले ऐसे प्रसाद ले लेते हैं। ये राम मंदिर का मेन गेट और घंटी काफी ऊपर है, तो हम बजा नहीं सकते हैं, और यहाँ से हमको जाना है अंदर। और ये पहुंच गया मंदिर में, तो नहीं पहुंचे अभी, वहां से जाने शायद, वहां पर एक पुल है। तो गाइस ये तो मंदिर है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें मतलब पहाड़ पे इस तरह से मतलब अलग टाइप से चढ़ के जाना पड़ता है। मतलब आपको एक्सप्लेन कैसे करूं, अभी दिखाता हूं आपको मैं। तो आज जाएंगे और पीयूष के लिए दुआ मांगेंगे कि इसका एडमिशन हो जाए। अरे यार वो तो हो ही जाएगा। तो अभी जल्दी से हाथ पैर धोते हैं और फिर चलते हैं। ओ भाई कितनी सुंदर जगह है, नीचे नदी भी है, नहा भी सकते हैं। क्या मस्त नदी आई हुई है, कोसी नदी है, कोसी नदी। सुबह सुबह आने का फायदा हो गया, यहाँ पर भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। सो गाइस अभी यहाँ पर जूते उतार लिए, अब यहाँ से सीधा चढ़ते वो मंदिर में जाना हमको, तो चलते हैं। अब यहाँ पर दोबारा सब्सक्राइबर आ चुके हैं, बर्फ फोटो खिंचाते हैं। मम्मी जी को चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, खड़े सीढ़ियाँ है ना। देखो मम्मी जी को दिक्कत हो रही है, लेकिन अम्मा मस्त चढ़ रही है अपना पहाड़ी। अम्मा चढ़ते जाओ चढ़ो। बड़े मम्मी थोड़ा स्लो चढ़ते हुए, भाई यहाँ पर तो ट्रैफिक जाम लग रखा है, तो मैं यहाँ से भगते फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मंजिल हमसे थोड़ी दूर है, सो अंदर वीडियो शूट नहीं गई ना। और अभी यहाँ पर पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, बाय। तो अभी दूसरे मंदिर से भी आ गए हैं, अब चलते हैं और कुछ खाते हैं, बिकॉज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। 12:30 बज चुके हैं, लेकिन काफी पॉजिटिव, काफी मस्त वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे। सो गाइस अभी हमने यहाँ से मछलियों के लिए खाना ले लिया है, बिकॉज यहाँ पर नदी है ना, उसमें बहुत सारी मछली है, तो उनको भी ये आटे की गोलियां दे देते। चलो तो पापा जी, साहिल एंड पीयूष मछलियों को आटा खिला रहे हैं मस्त। तो भी गाइस यहाँ पे चल रही है फिशिंग हमारी। फिशिंग नहीं चल रही, फिशिंग तो मछली पकड़ के उसको खाना होता है। फिशिंग मतलब फिश, फिश को लोग फिश खाते हैं, अरे फिशिंग नहीं मतलब, अरे फीडिंग चल रही है, फीडिंग। अरे हाय हाय, उधर से आओगे, उधर से आओ, इधर से गिर सकते हो ना, उधर से ठीक है बच्चे। परसों मेरा गाना आने वाला है, तो शेयर करना ठीक है। तो गाइस परसों 4 तारीख को हमारा गाना आने वाला है, तो वो आप शेयर करना। और हमने एक टारगेट रखा है, अगर 1 मिलियन लाइक हो गए ना उस गाने पे, तो हम अपने नेक्स्ट गाने का नाम बताएंगे ब्लॉग में, जो भाइयों वाला है, भाइयों वाला, उसका नाम बताएंगे क्या है। पोस्टर तो आपने देख ही लिया होगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था, अगर नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
पोस्टर है, आ गया होगा। भाई क्या बातें चल रही है? ये अपकमिंग अपडेट्स पूछ रहे मेरे चैनल के। तो वहाँ पे टॉप पे अमन थे जहाँ पे हम गए थे, यहाँ से ऊपर बहुत ही ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही है यहाँ पे। मैंने गलती कर दी जैकेट उतार के, अब मुझे ठंड लग रही है। और उतारा, मम्मी ने सही बोला था कि मत उतार मत उतार। फिर अब जाके जल्दी से जैकेट डालूंगा मैं। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया है? कई दिनों के बाद शांति मिली है। पापा जी कह रहे कई दिनों के बाद शांति नहीं मिली। वैसे शांति नहीं आपके जीवन में? नहीं, आज बहुत सुकून मिला है। मतलब सुकून सुकून मेरे जीवन में शांति थोड़ी है। अच्छा, मेरे जीवन में पापा जी का डायलॉग, पापा जी कह रहे मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में ये है। फाइनली मंदिर से पूजा पाठ करके हम वापस यहाँ पार्किंग में आ चुके हैं। अभी ऐसे फॉर्चून लेते हैं और कहीं जाके खाना खाना खाते हैं। तो अभी गाइस हम आए यहाँ पे वैष्णो ढाबे पे कुछ खाने के लिए, और उसके बाद जाएंगे हम हमारे रिलेटिव के घर पे। यहाँ रामनगर में हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं, उनके पास चलेंगे। मेरी मौसी रहती है। क्या खाना चाहोगे? दाल चावल मंगाओ, दाल रोटी मंगाओ, खाओ। कल भी मैगी खाई है, बिल्कुल नहीं बेटा, मैगी मत खिलाना इसको, रोटी खाएगा या चावल खाएगा। भैया मेरे तो दाल चावल ले आओ, बस ले ले दाल चावल, साथ में रोटी भी ले आना। सो गाइस अभी हमारा खाना भी आ चुका है, दाल चावल रोटी। कुल्फी, ये ठंड में कुल्फी, मेरी यहाँ कुल्फी जम रही है और ये कुल्फी खा रहा है। बाय द वे गाइस खाना पीना हो चुका है, मस्त दाल चावल खाए, दाल चावल रोटी। अब चलते हैं सीधा यहाँ से हमारी मौसी घर है, मौसी घर यहीं पे है बगल में। एक चीज रह गई जो कि है चाय, वो हम मौसी घर पे जाके पियेंगे मस्त। भाई देखो ठंड नहीं लग रही क्या? मजा आ रहा है इतनी ठंड में आइसक्रीम खा रहा है यार, फिर कल बीमार हो जाएगा, फिर कहेगा क्लास नहीं लेता, फिर कहेगा कहीं नहीं जाता। ओ भाई साहिल तो पहले ही बैठ गया। ओ भाई गाड़ी में बैठ के जो सुकून मिल रहा है ना, गाड़ी में गर्म गर्म है। तू आइसक्रीम मत दिखा मेरे को, वैसी ठंड लग रही है। एक चुटकी मारो। हैं? नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, मेरे को वैसे ठंड लग रही है। एक तो मैं वॉशरूम जाके आ गया ना, खाना खा के मैंने पानी नहीं पिया भाई, कहीं ठंड लगेगी। ठंडा पानी था ना, पिया ही नहीं मैंने। कैसे खा रहा है यार तू आइसक्रीम? तो गाइस अभी हम रुके हैं यहां मौसी के लिए मिठाई लेने के लिए। पपी घूम रहा है। रुको 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 भाई, रुको इसको इधर उधर चल, चलो उधर चलो, उधर जा भाई। बच गया भाई, बच गया भाई। यार तेरे बच्चे का एक तो भला कर रहा हूं मैं। सो गाइस यहां पर मिठाई ले ली है, इसमें गुलाब जामुन और सोन पापड़ी है। तो अभी चलते हैं मौसी के घर। तो फाइनली गाइस मौसी का घर मिल गया है, पहुंच चुके हैं, गाड़ियां पार्क कर दी है, और ये वाला घर है हमारी मौसी का। तो चल चलते हैं अंदर। हमने खाना खाया लेकिन चाय नहीं पी ना। चाय तो मौसी के हाथ पिएगा। हाँ मैंने बोला मौसी के हाथ की। तो अभी गाइस चाय वगैरह पी लिया है, अब फिलहाल चलते हैं फॉर्च्यूनर धुला के लाते हैं। मम्मी पापा अंदर बैठे हैं, इतने वो गप्पे मारेंगे इतने हम धुला लाते हैं। तो गाइस आज मैं पहली बार इस तरह से गाड़ी धो रहा हूँ खुद इससे। अब साहिल की बारी। हाँ तो गाइस अभी हम आए हैं धुलाई सेंटर पे, यहाँ पर धुलाई होती है हमारी नहीं गाड़ियों की। सो गाइस अभी हमारी कार की धुलाई हो चुकी है और इसके बाद चलते हैं हम मौसी के घर, उसके बाद चलेंगे सीधा अपने घर। तो ये मौसी ने हमारे लिए मस्त मैगी बना दी है, पियूष तो खुश हो गया। चलें अब। हाँ चल चले फिर। चलो आप भी चल रहे हो? नहीं। तो फिलहाल अब निकलते हैं वापस हल्द्वानी के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, हम गाड़ी धुलवा के लाए ना, लेकिन यहाँ पे पीयूष की उल्टी है, वो अभी तक साफ ही नहीं हुई है। पता नहीं कैसी उल्टी करी इसने। अरे भैया ने चार पांच बारी रगड़ दिया, कह रहे कैसी एसिड की उल्टी है। क्या करते तू भाई, सबसे भयंकर हुई थी। इस साइड से तो लगी नहीं रही कि धुला रखी है, पूरा प्रोटीन निकाला अंदर। तू खाता क्या है जो ऐसी उल्टी कर दी तूने? मैं खाते पीते घर का हूँ। तो भी गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, अंधेरा हो गया। हम सुबह 9 बजे निकले थे, और आज पूरा दिन अकेला होगा, सोच रहा होगा कहाँ चले गए सबके सब। वैसे दादाजी हैं ओरियो के साथ में, बट फिर भी हमको मिस कर रहा होगा आज पूरा दिन। तो जाते हैं ओरियो से मिलते हैं, और दादाजी भी इसलिए नहीं आए बिकॉज उनको ट्रैवल करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, उनको भी तबीयत भी खराब होगी, इसलिए वो नहीं आए। तो फाइनली गाइस घर पे पहुंच चुके हैं, सबको सेफली मैंने घर पे पहुंचा दिया है। मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी मैं चलाता हूँ ना थोड़ा डर लगता है बिकॉज पूरी फैमिली जाती है ना, मम्मी पापा पीयूष साहिल मैं सब एक साथ एक गाड़ी में, तो बहुत संभाल के जाना पड़ता है। आज का ट्रिप हमारा काफ़ी मस्त था, अब चलते हैं अंदर ओरियो से मिलते हैं। ओलू। अब मम्मी जी बनाएंगी खाना, तो क्या बना रहे हो मम्मी? क्या बनाओ, कुछ सिंपल सा बना दो, कुछ खिचड़ी टाइप। खिचड़ी बनाओ।
तो मम्मी जी बनाई खिचड़ी हमारे लिए सबके लिए, फिर जल्दी खा के सो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो मैं कैसा लगा आज मेरे साथ? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। तुम मेरे साथ चला करो ना। हाँ, चलेंगे फिर। बाय द वे गाइस, हमारा टीवी भी आ चुका है ठीक होके, जो दिया था ना, तो ये अब लगवाना है वहाँ पे। और पापा जी कर रहे हैं अभी पूजा। तो फाइनली गाइस आज का अपना डिनर आ गया है, जो कि खिचड़ी। फिलहाल तो बस मैं एडिटिंग कर रहा था, बहुत भूख लग रही है, तो पहले खाते हैं उसके बाद एडिटिंग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी गाइस एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज हम बाहर गए थे फैमिली के साथ में मंदिर में, काफी अच्छा लगा। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे पीयूष, एटीट्यूड तो दिखा रहा पीयूष? नहीं नहीं, अभी लगाएंगे इसको थप्पड़, सब मिलके थप्पड़ लगाएंगे। इसको बेइज्जती महसूस हो रही है? नहीं हो रही भाई, अंदर बेइज्जती महसूस करने पे लगती है। क्या 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 कछु कछु क्या बोला? To see